आप सबको प्रणाम। मेरा नाम सोनी है और मैं एक एथलीट हूँ। सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स जितने स्पीड में होते हैं ना, मैं उससे भी ज़्यादा स्पीड में चलती हूँ। आप सबको प्रणाम। मेरा नाम ध्वनि है, मतलब साउंड। ध्वनि जितनी तेज़ी से जाता है ना, मैं भी उतनी ही तेज़ दौड़ती हूँ। हाँ, ये सोनी और ये ध्वनि सब मेरे रानी के नीचे ही हैं। नेशनल चैंपियन हूँ मैं, नेशनल चैंपियन। मेरी शादी एक एनआरआई से हो गई है, इसी वजह से ये देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। और ये देश मेरे मेडल को इस देश से बाहर नहीं जाने देगा, वो इस देश के स्पोर्ट्स का रूल है। इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेडल इन दोनों में से मैं किसको दूं। अरे ओ सोनी और ध्वनि, मेरे गले में मंगलसूत्र पड़ गया है, इस वजह से ये मेडल तुम लोगों के गले में आने वाला है। खुशियां मनाओ खुशियां। ये कहावत सुनी है कि एक लड़की ने दूध ठंडा करने के लिए सीधे बकरे को ही ले जाकर फ्रिज में रख देती है। ऐसा ही है तेरा बर्ताव। अरे क्या बड़बड़ा रही है? और नहीं तो क्या, तू अपने ही मुंह से अपना ढिंडोरा क्यों पीट रही है? बात क्या है, सीधे सीधे बताना। वैसे भी तुम दोनों तो सेकंड पोजीशन में हो ना, इस मेडल को तुम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन रखूं। अगर मेरा प्रपोजल तुम दोनों को पसंद आया हो तो बताओ। चीची, तू और मुझे प्रपोज करेगी? अरे पागल, प्रपोज नहीं प्रपोजल, डील के बारे में बोल रही हूँ मैं। कैसा डील? तुम दोनों बातें करके किसी अच्छे से दिन एक रनिंग कॉम्पिटिशन लगा लो। वो कब लगाना है वो तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों में से जो भी कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, ये मेडल उसी को मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, मुझे भी ठीक है। रानी खुशी खुशी विदेश चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोनी शादी के बाद पेट से होती है। ध्वनि मौके का फायदा उठाने के लिए कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए सोनी के घर पहुंचती है। क्या बात है ध्वनि, इधर कैसे आना हुआ? हम लोग कई दिनों से बातें कर रहे हैं ना उस मेडल के लिए कंपटीशन के बारे में, उस कंपटीशन को अभी रखे क्या? सोनी समझ जाती है कि ध्वनि को पता है कि वो प्रेग्नेंट है और कंपटीशन से मना कर देगी, इसीलिए कंपटीशन के बारे में बात करने आई है। तब सोनी का पति श्याम बोलता है, अगर मेडल चला गया तो दूसरा मेडल हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस दौड़ने की वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे सोनी? सैमसंग और सोनी जैसे हमारी जोड़ी को जब नोकिया जैसा बच्चा होने वाला है तो तुम्हें ऐसी कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? मुझे मेरे पेट में बच्चे से ज्यादा मेरे गले में पड़ने वाला मेडल ही ज्यादा जरूरी है। अरे ओ ध्वनि, जगह तू बताएगी या मुझे बताना पड़ेगा? टाइम तू बताएगी या मैं बताऊंगी? कोई भी प्लेस हो, कोई भी टाइम हो, मैं रेडी हूं। ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा बोलते हुए ध्वनि वहां से चली जाती है। ध्वनि के चले जाते ही श्याम एक मैजिकल वॉच के बारे में सोनी से बताता है। वो उसे बताता है कि उस वॉच की मदद से इस कंपटीशन को आराम जीता जा सकता है, लेकिन सोनी को इस तरह धोखा देकर जीतना पसंद नहीं होता। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है सोनी, अगर तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है तो तुम्हें ये मैजिकल वॉच यूज करना ही होगा। वो मैजिकल वॉच बहुत पावरफुल था,
उसे अगर एक बार प्रेस किया जाए तो वो 10 सेकंड के लिए पूरी दुनिया को रोक लेता था। इधर कंपटीशन के दिन ध्वनि बहुत तेजी से दौड़ रही थी और वो पहले नंबर पर थी। बेचारी सोनी प्रेग्नेंट होने की वजह से धीरे धीरे दौड़ रही थी और उसी वक्त श्याम उस मैजिकल वॉच को यूज करता है। एक क्षण के लिए पूरी दुनिया रुक जाती है और उसी वक्त सोनी ध्वनि को पार करते हुए विनिंग लाइन के पास पहुंच जाती है। 10 सेकंड होने के अंदर अंदर सोनी लाइन को पार कर जाती है। छी, मेरी जिंदगी पर थू है। वो प्रेग्नेंट होते हुए भी मुझसे आगे निकल गई और सीटी बजाते हुए जीत गई। इस तरह वो दुखी होने लगी और इधर सोनी अपने पति की तरफ देखते हुए पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती रहती है। बाबू को कॉल ऑफ ड्यूटी गेम से बड़ा प्यार था। हर वक्त कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में ही डूबा रहता था। खाना खाते वक्त, चलते वक्त, बाथरूम में बैठकर भी वो सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी ही खेलता रहता था। एक दिन वो कार चलाते चलाते भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था। हाँ, मर गया, एक और मरा, मार मरा, ये भी, इस एक को मारूंगा ना पूरे 20 हो जाएंगे। यस। उसी वक्त सामने से एक लॉरी आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ और वो गुजर गया। मौत के बाद बाबू नरक पहुंच गया। वहाँ उसके दोस्त अशोक, रवि और फिरोज भी उसे मिले। उन्हें देखकर उसने कहा, अरे इतने दिन तुम लोग कहाँ चले गए थे? कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने तुम लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे थे तो मैं ही सोच रहा था फोन कर लूं। इतने दिन हमारे नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, अब मिल गए हैं, चलो खेलते हैं। इसके बाद चारों मिल बैठे और गेम खेलना शुरू कर दिया। ए, तूने कितने को मारा? मैंने 10 को मार दिया। मैंने 12 को मारा है। वो डिंगे मारते बैठे, इतने में वहाँ यमदूत आ पहुँचे। यमदूतों को देखकर बाबू घबरा के बोला, ए, यमदूत आ रहे हैं। उसने फोन अपने पीछे छुपा लिया। बाबू के दोस्त उसकी घबराहट देखकर हंस पड़े। क्यों रे, डर गया क्या? वो भी हमारे टिब्बे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने आए हैं। क्या, यमदूत भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने लगे? अबे यार, कोई खेलता है, तू भी खेलना बाबा। धत तरीकी, मेरे हाथ से कोई नहीं मर रहा है। अरे छोड़, तू तो बच्चा है, अभी बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है। वो सारे मिलकर फिर से गेम खेलने लगे। इतने में यमधर्मराज स्वयं वहाँ पधारे। उन्हें देखकर बाबू उनके पास जा पहुँचा। आइए यमधर्मराज जी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। यमुंडा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे ही साथ मजाक कर रहा है। सैनिको, इन्हें ले जाओ और खौलती हुई तेल में तलो, नरक के सारे दंड इन पे आजमाओ। आए हाय, कुछ चुभ रहा है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तू खेल। उन्हें देखकर सारे यमदूत हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वो यम धर्मराज के पास जा पहुंचे। बताओ क्या हुआ है? इन पापियों को कोई भी दंड दो, फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उफ तक नहीं कर रहे हैं। नरक के बाकी पापियों को भी ये बिगाड़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है, इन पापियों के वजह से पूरा नरक बिगड़ रहा है। इनको नरक से अब भी निकल बाहर करो और नरक के बाहर एक बोर्ड लगा दो, कॉल ऑफ ड्यूटी गेमर्स को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। यमधर्मराज के आदेश अनुसार यमदूतों ने उन चारों को निकाल बाहर किया और नरक के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया कि गेम खेलने वाले का प्रवेश निषेध है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।